उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में भाजपा ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की है। गाजियाबाद में भी भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुजफ्फरनगर से भाजपा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान भी पहुंचे। प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि यह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए और सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए किया गया है। कल जो किसानों की महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई है, उसमें महज किसान नहीं थे। उस महापंचायत में तमाम वो राजनीतिक पार्टियों के लोग भी शामिल थे जो कि भाजपा के विरोधी दल हैं। किसान हमारे ही भाई हैं, उनका स्वागत है और मैं खुद चाहता हूं कि किसान दिल्ली जाएं, सरकार से वार्ता करें और सरकार उन्हें कुछ अच्छा ही देगी। देखिए, चुनाव निकट है और भारतीय जनता पार्टी जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके माध्यम से अपने पिछले 5 साल के प्रदेश सरकार के कार्यकाल और 7.5 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल जो बेहतर हमने काम किया, जो देश के लिए प्रदेश के लिए बेहतर काम हुए, देखे जनता के बीच में जाने के प्रयास की शुरुआत एक है। देखिए, पूरे रास्ते में मुझे ट्रैक्टर मिले हैं, बसें मिली हैं, बहुत से बसों पर लोकदल के झंडे थे, कुछ पर समाजवादी पार्टी के झंडे थे, कुछ पर किसानों के झंडे थे। तो आप कह सकते हैं कि सर्वदलीय थी एक तरह से, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ किसान के राजनीतिक दलों के सभी कार्यकर्ता उस रैली में, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में राजनीतिक दल है, उन सभी लोग उसमें शामिल थे।